नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अधर में लटकी मनपा चुनाव की प्रक्रिया के कारण तमाम राजनीतिक दलों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि राज्य सरकार ने तो सदस्य संख्या को लेकर कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया, लेकिन सरकार का ही भविष्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिका हुआ है। यही कारण है कि राज्य चुनाव आयोग ने भी सतर्क कदम उठाया है। 5 अगस्त को ओबीसी आरक्षण के साथ प्रभाग आरक्षण की अंतिम घोषणा करनी थी, किंतु राज्य चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा पर रोक लगा दी। जानकारों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग की ओर से 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति को खारिज नहीं किया गया है। जब तक राज्य की राजनीति को स्थिरता नहीं मिलती, तब तक इस तरह के कदम उठाना तर्कसंगत नहीं है। यही कारण है कि आयोग भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। प्रशासन की ओर से दबी आवाज में 4 सदस्यीय प्रभाग होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब तक आयोग की ओर से दिशा निर्देश नहीं मिलते, तब तक कुछ भी बोलने से इनकार किया जा रहा है। अगस्त के अंत में आ रहे गणेशोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसे लेकर महानगर पालिका में लगातार तैयारियों को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने संबंधित सभी विभागों को तैयार रहने को कहा है। राज्य सरकार ने गणेशोत्सव के लिए प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर लगाई गई पाबंदी हटा ली है। इससे अब परेशानियां कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, किंतु गणेशोत्सव के लिए मंजूरी देने वाले बड़े मसलों को अनुमति लेते समय ही विसर्जन कहां करना है इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष भी तालाबों में विसर्जन पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। मनपा आयुक्त ने कहा कि तालाबों में विसर्जन पर पाबंदी जारी रहेगी, अतः सिटी के हर तालाब की बैरिकेडिंग करने के लिए तैयारी शुरू की जानी चाहिए। सभी जोन के सहायक आयुक्तों को इस दिशा में काम करने को कहा गया है। प्रत्येक जोन में गणेशोत्सव की मंजूरी के लिए विशेष कक्ष शुरू करने की हिदायत भी सहायक आयुक्तों को दी गई। मनपा के अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने को कहा गया। साथ ही मंजूरी लेते समय नियमों के अनुसार ही अनुमति देने के निर्देश दिए गए। शहर की जनसंख्या और बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए 2 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय शुरू किए गए, लेकिन दोनों के कार्यालय अपने बॉस यानी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को तरस रहे हैं। एक ही अधिकारी को 3-3 पदों की जिम्मेदारी सौंपी जाने से विभाग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लचर हो गई है। ज्ञात होगी सिटी में नागपुर शहर और पूर्व नागपुर आरटीओ ऑफिस शुरू है। वहीं नागपुर प्रादेशिक परिवहन विभाग में 1 आरटीओ और 2 डिप्टी आरटीओ के पद स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि लंबे समय से विभाग 1 डिप्टी आरटीओ के भरोसे चल रहा है। उन्हें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के साथ ही शहर और पूर्व नागपुर कार्यालय के डिप्टी आरटीओ की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ रही है। शहर में 18,000 से ऑटो रिक्शा, हर दिन कई दोपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री होती है। ऐसे में इनके रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य कई काम दोनों आरटीओ कार्यालय में होते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी की नज़र ही न होने से पूरा कामकाज ठप से पड़ गया है। जो चल रहा है वो भी भगवान भरोसे सरीखा नजर आता है। सिटी के ऑटो रिक्शा के लिए नई टैरिफ दर 18 रुपए तय की गई है और सभी को अपने मीटर कैलिब्रेशन कराने का आदेश भी दिया गया है। मौसम के बदलाव के साथ ही जिले में कोरोना के नए संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। संडे को भी जिले में 153 नए संक्रमित मिले, जिसमें से 89 सिटी के और 64 जिले के ग्रामीण भागों के हैं। बीते कुछ दिनों से कोरोना के 1-2 मौतें भी रोज हो रही थी। हालांकि बीते 2-3 दिनों से कोई मौत नहीं होने से थोड़ी राहत है। जिला व नगर प्रशासन की ओर से नागरिकों को सतर्क रहने और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। कोरोना के साथ ही स्वाइन फ्लू के संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे प्रशासन चिंतित हो उठा है। रविवार को जिले में कोरोना के 1,228 एक्टिव केस होने की जानकारी दी गई, जिसमें 781 सिटी के और 447 ग्रामीण भागों के हैं। फिलहाल जिले के विविध अस्पतालों में 49 कोरोना के मरीज भर्ती होकर अपना उपचार करवा रहे हैं। 1,179 होम क्वारंटाइन है। संडे को 169 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं, जिसमें 89 सिटी के और 80 ग्रामीण भागों के हैं। संडे को 2,117 स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें 153 पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल रिकवरी रेट 97.98% है। राज्य भर में भाजपा अब बूथ सक्षमीकरण अभियान शुरू कर रही है, जिसके चलते हर जिले में 1,000 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी 1 महीने में घोषित करने की जानकारी चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य के 97,443 बूथ को और सक्षम बनाने का काम किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। एक बूथ पर 30 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। जिला स्तर के बाद तहसील स्तर पर भी कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि घर घर तिरंगा अभियान में भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक घरों में ध्वज उपलब्ध करवाएंगे।
इसके अलावा कोरोना बूस्टर डोज के लिए भी कार्यकर्ता राज्य भर में इस अभियान में भाग लेंगे व नागरिकों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। बावनकुली ने कहा कि राज्य में चुनाव भी हुए तो उसके लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है, किसी भी चुनाव के लिए भाजपा सज्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है। इस दृष्टि में राज्य में भी चुनाव हुआ तो बीजेपी तैयार है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों का सत्कार किया गया। 10वीं में 90% स्कोर लाने वाली छात्र विधि कहार एवं 12वीं में 82% अंक लाने वाली छात्रा आकांक्षा कहार को सर्टिफिकेट एवं पुष्पगुच्छ देकर अतिथि संगीता गिरे द्वारा सम्मानित किया गया। ये समारोह 3 अगस्त 2022 को शाम 6:30 बजे झिंगाबाई टाकली राठी लेआउट हॉल आशीर्वाद स्कूल में सम्पन्न हुआ। सरकार द्वारा 28 जुलाई 2022 को जारी किए गए आदेश के अनुसार आपातकाल की अवधि के दौरान यानी 25 जून 1975 से लेकर 31 मार्च 1977 के बीच एक महीने के कारावास की सजा काटने वालों को 10,000 रुपए प्रति माह और उसके बाद उनकी पत्नियों को 5,000 रुपए प्रति महीना मानधन मिलेगा। इसी तरह एक महीने से कम कारावास की सजा काटने वालों को 5,000 रुपए और उनकी पत्नियों को 2,000 रुपए मासिक वजीफा मिलेगा। इस फैसले से आपातकाल के दौरान जेल में बंद नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। ये योजना 2014 से 19 की अवधि के दौरान शुरू की गई थी, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने इस योजना को बंद करके अनुचित रूख अपनाया। विधायक कृष्णा खोपड़े ने इस अवधि के दौरान कारावास की सजा काट चुके लोगों को मासिक वजीफा प्राप्त करने के संबंध में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 15 जुलाई को एक ज्ञापन सौंपा था। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाया और इन सभी वीरों को मानधन देने के प्रस्ताव को भी सभी विधायकों एवं मंत्रियों की सहमति से स्वीकार कर लिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सारे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों की होड़ लग गई है और जिसको देखते हुए देश भर के बाजारों में तिरंगे झंडे को खरीदे जाने की एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा लगाने की अपील का व्यापक असर देश भर में देखा जा रहा है, जिसके चलते इस अभियान की विराट सफलता में तिरंगे झंडे की देश भर में कोई कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए छोटे से छोटे शहरों में भी बाजारों में तिरंगे की बाढ़ से आ गई है। चाहे वो सरकारी संस्थान हो अथवा व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या उद्योग संगठन, स्कूल अथवा अन्य शिक्षण संस्थान, सभी लोग 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर को देशभक्ति एवं तिरंगामय करने में जुट गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने हाल ही में बताया कि एक अनुमान के अनुसार देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा लगाए जाने की संभावना है। 23 जुलाई के आसपास देश भर में एक मोटे अनुमान के लगभग 4 करोड़ तिरंगा ध्वज का स्टॉक था, लेकिन पिछले लगभग 12 दिनों में व्यापारियों, कपड़ा मिलों तथा अन्य सभी साधनों द्वारा दिन रात मेहनत कर लगभग 10 करोड़ झंडे तैयार किए गए हैं। त्योहारों के मौसम में नागपुर स्थित एकल श्री हरि सत्संग समिति द्वारा 28 अगस्त से 4 सितंबर तक संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री महेश्वरी पंचायत भवन टेकड़ी रोड सीताबर्डी में प्रधान व्यास वेदांत ममर्ज्ञ श्री स्वामी जी डॉक्टर श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। पूज्य स्वामी श्री राजगुरु आचार्य आश्रम नया गाँव चित्रकूट धाम के उत्तराधिकारी है। धर्म, दर्शन व संस्कृति के उपदेश को, कथा भागवत कथा प्रवचनों को अल्पायु से अपनी विशिष्ट छवि स्थापित करने वालों में आप अग्रणी हैं। यथा नाम तथा गुण की पंक्ति पूर्ण रूपेण आपके साथ चरितार्थ होती है। श्री हरि सत्संग समिति नागपुर आदिवासी क्षेत्रों में सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रही है। नागपुर में स्थित व्यास कथाकार प्रशिक्षण केंद्र भी चला रही है। इस केंद्र में आदिवासी बच्चों को सनातन धर्म कथा, रामायण वाचन आदि संस्कार शिक्षा दी जाती है। यहाँ शिक्षार्थी 8 माह की शिक्षा लेने के पश्चात गांव में जाकर सनातन धर्म, भारतीय उत्सव, संस्कार और सभ्यता से ग्रामीण वासियों को अवगत कराते हैं। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के लिए कुमकुम कुंज बिहारी अग्रवाल की अध्यक्षता में श्रीमद् भागवत आयोजन समिति की स्थापना की गई है। नागपुर महानगर क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है।
साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। रेलवे प्रशासन ने त्योहारों से ठीक पहले 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी है। लोगों ने कई महीने पहले से अपने रिजर्वेशन करा रखे थे, एन मौके पर ट्रेनों के रद्द होने से उनका सारा प्लान ही चौपट हो गया। शनिवार को हजारों यात्रियों ने अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराया। हालांकि रेलवे का कहना है कि यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, परंतु लोगों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन कराया था। अभी सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, ऐसे में दूसरी ट्रेनों में टिकट मिलना नामुमकिन है। एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा पैसेंजर ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है, जिसके कारण दैनिक यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के लिए विशेष महत्व रखता है। रक्षाबंधन में राखी बंधवाने के लिए दूर दूर से भाई अपनी बहन के घर जाता है। अचानक ट्रेनों के कैंसिल करने से पहले रेलवे के अधिकारियों को लोगों की परेशानी को समझना चाहिए था। भारतीय यात्री केंद्र के सचिव बसंत कुमार शुक्ला ने कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन त्यौहार का काफी महत्व है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष का जश्न मनाते हुए 9 अगस्त को क्रांति दिवस से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक राज्य भर में आज़ादी गौरव झंडा महोत्सव का आयोजन किया है। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा नागपुर जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रविवार को बेजानबाग कार्यालय में उत्तर नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज़ादी गौरव यात्रा 9 अगस्त से शुरू हो रही है। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिकों को अपने घरों और उस क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यात्रा शुरू करनी चाहिए। जिस रास्ते से यात्रा आगे बढ़ेगी, उन तमाम कस्बों एवं घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को भी अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। घरों पर प्रदर्शित तिरंगा स्वतंत्रता दिवस तक बना रहना चाहिए। इसी के साथ ही हमें आज़ादी गौरव पद यात्रा के अवसर पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। इस आशय के विचार डॉक्टर नितिन राउत ने व्यक्त किए। पंचभवन केटा कॉलोनी में हम तुम एग्जीबिशन का 2 दिवसीय सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री पूज्य पंचायत केटा समाज की एवं केटा कॉलोनी की आसपास की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एग्जीबिशन को सफल बनाने के लिए समाज के अध्यक्ष राजेश मुनियर की अगुवाई में पूरे पदाधिकारियों ने अथक प्रयास किया। विशेषकर समाज की हीना मुनियार, नीरज ठुटेजा, राजेश किंगरे, कन्वर चावला, वेद पाहुजा, तिलक आहुजा, राम मुनियार, प्रवीण टूटेजा आदि महिलाओं ने इस आयोजन के लिए भरपूर सहयोग दिया। सभी स्टॉल धारक सहयोगियों का समापन के दिन उपहार देकर सम्मान किया गया। इस एग्जीबिशन में विधायक कृष्णा खोपड़े, महाराष्ट्र प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, पूर्व नगर सेवक मनोज चापले, संजय अवचट एवं प्रसिद्ध व्यवसायी किशोर टुटेजा ने अपनी उपस्थिति दी एवं मार्गदर्शन दिया। भविष्य में इसी तरह के आयोजन के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। नई विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी प्रसन्ना बिद्री ने शनिवार को अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने प्रभारी विभागीय आयुक्त राधाकृष्णन बी से टेक ओवर किया। विजय लक्ष्मी प्रसन्ना बिद्री इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुष्ठान संगठन में नियंत्रक के रूप में कार्यरत थी। इस अवसर पर जिलाधिकारी आर विमला, उपायुक्त आशा पठान, उपायुक्त मंजूषा ठवकर, सहायक आयुक्त हरीश भामरे आदि उपस्थित थे। प्रसन्ना बिद्री भारतीय प्रशासनिक सेवा 2001 के बैच के अधिकारी हैं और इस असाइनमेंट से पहले वे सहायक आयुक्त तेजपुर गुवाहाटी, सहायक आयुक्त हिंगोली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिलाधिकारी, सदस्य सचिव महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र महिला विकास निगम, महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक कोल्हापुर महानगर पालिका के आयुक्त के रूप में कार्यरत थी। शिवसेना जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाड़ी कामगार सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय के मार्गदर्शन में और नागपुर जिला अध्यक्ष विनोद कल्याणी के नेतृत्व में शिव संपर्क अभियान अंतर्गत 80% समाज सेवा, 20% राजकारण के मोटो पर अग्रसर होते हुए बारिश से बचाव के लिए नागरिकों में छाते का वितरण किया। जो लोग रोड पर रहते हैं, ऐसे लोगों में बारिश से बचने के लिए छाते का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ऋषभ महतो, हनीफ खान, मनोज मश्वरी आदि उपस्थित थे। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट काउंसलिंग का संवैधानिक तरीके से गठन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक एडवोकेट चंद्रशेखर बरेठिया,
व सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह, प्राचार्य राजेंद्र मिश्र मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। कुल प्रमुख तन्मय कड़ू एवं ऋषिका वैद्य और उनकी टीम को पद की शपथ वंदना यादव ने दिलाई। कार्यक्रम का सुंदर संचालन मीनाक्षी वैद्य ने किया। कार्यक्रम की सूत्रधार मीना अजमेरा ने कार्यक्रम के सफलतार्थ अथक प्रयास किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में एडवोकेट चंद्रशेखर बराटिया ने स्कूल स्टाफ को बधाई देते हुए नवगठित विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह ने स्कूल की स्वच्छता एवं अनुशासन की प्रशंसा करते हुए नवगठित विद्यार्थी परिषद को शुभेच्छा प्रदान की। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने सभी विद्यार्थियों को उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी तथा स्मरण कराया कि उन्हें सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने हेतु पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. आशीष देशमुख ने प्रतिष्ठान की ओर से सभी का अभिनंदन किया। चंद्रशेखर बावनकुले महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के हस्ते डॉक्टर करण माने ऑर्थोपेडिक सर्जन का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होकर उनकी अरविंद गजभिया अध्यक्ष भाजपा ग्रामीण नागपुर जिला के हस्ते महामंत्री भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी नागपुर जिला पद पर नियुक्ति की गई। इस अवसर पर भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी नागपुर जिला की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति मानमोड़े, जिला संगठन मंत्री किशोर रेवतकर, डॉक्टर अशोक सागोते, युवा मोर्चा जिला मंत्री मोहन सातंगे, आनंदराव थावरे एवं तेलरांधे उपस्थित थे। रविवार को कामठी शहर में गांधी चौक पर पोरवाल पार्क स्वर्गीय राजीव गांधी सभागृह में महाराष्ट्र के दबंग पूर्व मंत्री सुनील केदार, कामठी मोदा विधानसभा के नेता व पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर व महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत के शुभ हस्ते मेधावी छात्रों का भव्य सत्कार ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट देकर किया गया। सभी मुख्य अध्यापकों का शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस भव्य सत्कार समारोह एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विदर्भ जोन के यूनिट मैनेजमेंट के समन्वयक युवक कांग्रेस के नेता मोहब्बत इरशाद शेख ने किया। साथ एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर डॉक्टर मिलिंद उमेकर का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में एमएम रब्बानी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल राजेश बनसिंघे व डॉक्टर मिलिंद उमेकर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सुनील केदार, कामठी मोदा विधानसभा के नेता सुरेश बोतल ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के सफलतार्थ नागपुर जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहम्मद राशिद अंसारी, मोहम्मद सलमान खान, कर्रार हैदर, अफसर खान, इरफान अहमद, आकाश भोकरे, दिवाकर राव, फरमान खान, अरशद खान प्रयासरत। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुरेश कोठारी ने पुलक मंच परिवार के महावीर नगर नागपुर स्थित कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त बनने के बाद सुरेश कोठारी नागपुर में पहली बार आगमन हुआ। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच सुरेश कोठारी का पुलक मंच कार्यक्रम में आगमन के बाद उनका भव्य सम्मान किया गया। समारोह प्रमुख रूप से मुंबई से आए फतेहचंद्र जैन, हरीश जैन हिकावत, पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष द्वय मनोज बंड और डॉक्टर रीचा जैन, शाखा के अध्यक्ष सूरज जैन पेंढारी, महल शाखा के अध्यक्ष जितेंद्र गडेकर उपस्थित। अतिथियों के हस्ते दीप प्रज्वलन हुआ, मंगलाचरण राजेंद्र सोनटक्के ने किया। संचालन शाखा के महामंत्री रमेश उदारपुरकर, प्रास्ताविक राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज भट्ट, स्वागत भाषण शाखा अध्यक्ष सूरज जैन पेंढारी, आभार प्रदर्शन महल शाखा अध्यक्ष जितेंद्र गडेकर, प्रतीक मार्कंडेय ने गीत प्रस्तुत किया। डॉक्टर ऋचा जैन, फतेहचंद्र जैन, हरीश जैन हिकावत, सुरेश जैन पेंडारी, मनोज बंड, शरद मचाले, जितेंद्र गडेकर ने सुरेश कोठारी का शॉल, श्रीफल, धर्म दुपट्टा, मोतियों की माला, किताब मोमेंटो देकर सम्मान किया। इस अवसर पर सुरेश कोठारी ने कहा, पुलक मंच परिवार का कार्य सराहनीय है। देश भर में मंच की आज 350 शाखाएं कार्यरत है। रविवार को दाऊदी बोरा समुदाय ने इतवारी सदर व शांति मस्जिद में इमाम हुसैन की शहादत की याद की। आशुरा मुबारक आशीर्वाद और आध्यात्मिक शुद्धि लाता है। दाऊदी बोरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन TUAS ने इस साल लंदन में इमाम हुसैन के शोक के इस दिनों को मनाया है। आशुर मुबारक इस्लामी नए साल की शुरुआत में 10 दिनों की अवधि होती है। यह समय करबला की त्रासदी को याद करने के लिए समर्पित है। इमाम हुसैन, उनके परिवार और मित्रगण इस्लाम, न्याय, सच्चाई और मानवता के लिए खड़े रहे। स्थानीय मस्जिदों में धार्मिक प्रवचन हुए। बद्री मस्जिद इतवारी में अमिल साहब शब्बीर
भाई साहब ने वाच प्रस्तावना रखी व सहयोगी अमिल साहेब मुजेफा भाई साहेब नोमानी ने संबोधित किया। बुरहानी मस्जिद सदर में अली असगर भाई साहब ने वाच पढ़ी व संबोधित किया। शांतिनगर मस्जिद में जनाब शेख शबीर भाई रागीब द्वारा प्रवचन का मार्गदर्शन दिया गया। जमात के सचिव मुल्ला हमीद भाई ने इस बारे में विस्तृत सूचना दी। आशुरा मुबारक विकास की यात्रा समुदाय के लोग इमाम हुसैन के नाम से नियाज और साबिल का आयोजन करते हैं। इस समय समुदाय के सदस्य दुकानें बंद कर देते हैं और बच्चे स्कूल से छुट्टी लेते हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।